केम छू, राम राम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। समय बज रहे हैं रात के 9 और मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च हो गई ख़त्म, उसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। टमाटरों को करेंगे छोटा छोटा काटेंगे और तो ये टन टमाटरों को मैं आधा कटोरी में काटूँगी, बाकी सभी ये प्याज लहसुन अदरक एक ही साथ इसमें काट लूँगी। तो आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो बताती हूँ आपको मैं। ये देखिएगा, ये है हमारे मशरूम, वो तो छोटी ब्लू कलर की आती है ना डिब्बी, इतने से उसमें आते हैं वो हैं, इनको मैंने अच्छे से काट धो के काट लिया है। ये है मखाने, ये है दूध, काजू और ये है दही, दूध भी दही भी दोनों चीज़ें, ठीक है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई तरह की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, मशरूम की सब्ज़ी। मशरूम की सब्ज़ी जो है ना वो बनती है, मशरूम मटर भी बनते हैं, ग्रेवी वाली मशरूम भी बनती है, तो आलू डाल के भी आलू मटर और मशरूम भी बनते हैं, शिमला मिर्च के साथ भी बन जाती है मशरूम, आलू शिमला मिर्च और वो क्या कहते हैं मशरूम। पर मैं जो है थोड़ी अलग से बना रही हूँ, अलग तरीके से मैं मखाने वाली बना रही हूँ, मखाना मशरूम, ठीक है, ये बना रही हूँ। और इसके लिए बस अब प्रिपरेशन तैयार कर दी, सामान तैयार रेडी हो गया है, तो अब मैं पहले ये काट लूँ सब कुछ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। देखिए प्याज, दो प्याज मैंने काटे हैं, अदरक और लहसुन सब इसमें काट दिया, और दो बड़े टमाटर मैंने बड़े बड़े चॉप कर लिए, इसको मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमने काजू मैंने पानी में भिगोए हैं, इसको ये दूध में डाल के मिक्सी में चलाना है। तो पहले मैं इसको चला के आती हूँ मिक्सी में, ये देखिए दूध में दूध डाल दिया मैंने, और इसमें मैंने वो डाल दिए हैं काजू, इसमें पानी नहीं डालना, ठीक है, इसको मिक्सी में ग्राइंड करके आना है। और उसके बाद फिर जो है हमें करने हैं टमाटर चॉप करने हैं, मिक्सी में चलाने हैं, ठीक है। ये बस ये जो हमारे मशरूम थे ना, इसको दो बार पानी से धो लिया, लेकिन अब इसको हमने एक उबाल आने तक बस इसको थोड़ा सा बॉयल करना है और उसका पानी निकाल देना है इसके बाद, ठीक है। और इधर जो है ना मखाने, ये मखाने मैंने इसको भूनना थोड़ा सा ताकि क्रिस्पी हो जाए, अभी ये कच्चे हैं एकदम, और ये देखिए इसको थोड़ी देर तक हिलाते रहेंगे जब तक ये मतलब बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। ये देखिए अभी एकदम दब रहे हैं, और जब हो जाएंगे तभी एकदम टूट जाएंगे, तो इसको इसको भी करना है। इसके बाद जो है ये इधर है हमारा ये जो दही है, दूध दूध में काजू मिक्स कर लिए मैंने, और ये दो जो टमाटर थे उनकी भी प्योरी कर ली है, थोड़ा सा पानी डालना पड़ा। अब इसमें क्या क्या डालेंगे, इसमें हम हल्दी डाल लेते हैं, दही में थोड़ा सा हल्दी डाल लेते हैं, और नमक तो बाद में ही डालेंगे, और बाकी गरम मसाला बाद में डालेंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक मसाला है अलग से, ये है उसका परांठा मसाला था, ये भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, ये भी डाल लेती हूँ थोड़ा सा, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेती हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है। और बाकी जब गरम मसाला है, नमक है, ये सब हम जब तड़का लगाएंगे तभी डालेंगे। अब इसको बस अच्छे से मिक्स करके रख लेना है, इसको मिक्स करके रख लेना, मैं इसको भी मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है इधर हमने बस एक बॉयल आने तक इसको उबालना है, उसके बाद बंद कर देनी है गैस और पानी निकाल देना है। इधर इसको भी हम हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए, काले ना हो जाए, मतलब थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही मिलती हूँ आपसे। चलिए व्यूअर्स, तड़का लगा लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जी गैस ऑन करते हैं और थोड़ा सा घी डाल देते हैं इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डालती मैं, कम ही घी डालती हूँ, आपको पता ही है, दो तीन छोटे चम्मच बस, इतना ही। कढ़ाई तो पहले ही गर्म हो रखी है इसलिए कोई ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे मसाले, ला के पास में रख लेते हैं। सबसे पहले जीरा डाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं, हींग का टेस्ट अच्छा आता है, गैस लो कर देती हूँ कि जीरा काला ना पड़ जाए। थोड़ी सी हींग भी डाल दी मैंने, ये देखिएगा हींग। उसके बाद जो है मैं प्याज ये भूनना है, प्याज डाल रही हूँ, तो ब्राउन करने तक भून लेना है।
ठीक है। प्याज अदरक लहसुन इकट्ठा ही डाल दिया मैंने, बस इसको ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। ये थोड़ा बड़ा रह गया तो मैं काट के छोटा कर दिया। गैस तेज कर देते हैं, गैस लो तेज आप अपने हिसाब से करते हैं। प्याज को अच्छे से भूनना पहले, ठीक है। पहले मैं प्याज भून लेती हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारे हो गए हैं। मैं इसको आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखिए आराम से टूट रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए आराम से टूट रहे हैं, ये रेडी है। गैस बंद कर देते हैं। इधर ये बॉयल भी हो गया, इसको भी गैस बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। बस एक उबाल दबाने तक ही करना था। हेलो व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो गया मेरा। ये देखिए कहाँ कहाँ भाग रहा है उड़ उड़ के। ब्राउन हो गया प्याज, अपने सोच रही इसमें हम डाल देते हैं टमाटर का प्योरे, ये जो हमने बनाया है ये वाला, ये डाल देते हैं। ठीक है, इसको डाल देते हैं और इसको अच्छे से भूनते हैं। इसमें देखिए पानी की क्वांटिटी है ना, अच्छे से मसाला भून लेते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा भून के मिलती हूँ। लीजिए गैस, मैं सोची थोड़ी सी हम ये लाल मिर्च डाल देते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च। और अभी नमक भी नहीं डाला हमने, अब नमक भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ठीक है। नमक भी डाल देते हैं, अब थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, ग्रेवी को देखते हुए। जितनी ग्रेवी आपको ज़रूरत है उतनी रख लीजिए। नमक मैंने भी कम नहीं डाला, अगर ज़रूरत हुई तो डालूँगी। बाकी अब रह गया गरम मसाला, वो मैं बाद में डालूँगी, ठीक है। अब इसको अच्छे से ग्रेवी को पकने देते हैं। हमने इसमें दोनों मिर्चें डाली हैं, लाल मिर्च भी डाली है और वो दूसरी वाली मिर्च भी डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें आप चाहो तो थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब ज़्यादा मिर्चें मिर्च ज़्यादा हो जाएगी इसलिए मैं काली मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है और इसकी ये ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें ये डाल देते हैं हम लोग दूध। ये दूध डाल देते हैं इसमें। ये देखिए काजू नीचे बैठा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ मैं, हल्का सा। ये देखिए इसको हिला देते हैं और इसमें दूध का भी स्वाद आएगा, दही का भी स्वाद आएगा, ठीक है। अब ये वाइट कलर की बन गई है, अब इसमें मखाने भी ऐड कर देते हैं। ये लीजिए मखाने आ गए, अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसके बीच में मखाने। और बस अब इसमें रह गया हरा धनिया डालना। अभी हरा धनिया काट के इसको थोड़ा सा इसको उबाल आने देते हैं, ये अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। ग्रेवी थोड़ी और ले लेते हैं, पानी थोड़ा और डाल देते हैं क्योंकि ग्रेवी जो है ना, ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। टेस्ट कर लिया, नमक थोड़ा सा कम था वो डाला है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला और हरा धनिया डाला है। हरा धनिया गरम मसाला लास्ट में ही डालना था। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, ठीक है, ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए, रह ना जाए, ठीक है। बस पूरे तैयार है, ये खा के देख लिया है। पहले स्वाति नखरे कर रही थी कि मखानों की सब्जी क्यों बनाई, मैं कहा बेटा पहले एक बार कोई भी न्यू सब्जी होती है ना तो एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, अच्छा ना बने तो दोबारा ना बनाओ, पर एक बार तो ट्राई करो। और मखाने की सब्जी मैंने पहली बार बनाई है, मशरूम तो हमने कई बार बना रखी है। तो चलो ठीक है, ये तैयार हो गई, मैं गैस बंद कर रही हूँ, बिल्कुल रेडी है सब्जी। बस हम खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं इसको, ठीक है। गैस ऑफ, सब्जी बंद, नीचे से गैस बंद। चलिए मिलती हूँ आपसे कल नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए। Thank you.